वेलकम टू दी माय चैनल पीयूष तोमर ब्लॉग्स, और मैं हूं आपका दोस्त पीयूष। तो हम आए हुए हैं आज दिल्ली की एक नई जगह पर, जिसे हम मिनी इंडिया का नाम से जान सकते हैं। तो मिनी इंडिया हम आपको लेके आए हैं यहां पर दिल्ली के राजौरी गार्डन में। ज़्यादा दूर नहीं है, दिल्ली के राजौरी गार्डन में एक नई यहाँ पे SDMC द्वारा बनाई गई एक प्लेस है। यहाँ पे आपको मिनी इंडिया देखने को मिल जाएगा, जो अलग अलग रेप्लिकाज यहाँ पे हैं, अलग अलग मॉन्यूमेंट्स हैं इंडिया में, वो आपको एक जगह देखने को मिल जाएंगे दिल्ली में। तो मैं आपको यहाँ पे आने का बता देता हूँ तरीका। यहाँ पे नियर बाई जो मेट्रो स्टेशन है पंजाबी बाग है, यहाँ पे आप आ सकते हैं उससे। बाकी यहाँ पे ESI अस्पताल है, उसके बराबर का भी वहाँ पे भी मेट्रो स्टेशन है। तो दोनों नियर बाई आपको मेट्रो स्टेशन मिल जाएंगे। आप मेट्रो से आना चाहते हैं तो, अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आपको देख सकते हैं, बस का स्टैंड जो है बिल्कुल बाहर इसके गेट पे ही आपको बस स्टॉप मिल जाएगा। तो आप आने के ऐसे आ सकते हैं। तो आपको मैं बता दूँ, बाकी यहाँ पे बाहर का ये एरिया है इसका, देख सकते हैं यहाँ पे बाहर ही आपको टिकट मिल जाएगी। फिर टिकट जो मिलने वाली है वो 100 रुपये एक बंदे की टिकट रहने वाली है, बच्चों के लिए 50 रुपये की टिकट रहेगी। ये मंडे टू सैटरडे की जो टिकट प्लान है, बाकी संडे को आपको थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। 150 रुपीज़ टिकट रहेगी बच्चों की, 100 रुपये तो टिकट का हो गया। बाकी हम इसके अंदर जाने का ये एरिया है, आप बाहर देख सकते हैं, यहाँ पे अपना घूम फिर सकते हैं बस। उसके बाद में अंदर चलते हैं, तो दिखाते हैं अंदर का और चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से एंट्री करते हैं, ये मेन गेट है इसका। तो एंट्री करने के लिए हमें ये तवांग गेट से गुजरना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में ही आपको एक रेप्लिका देखने को मिल जाएगा तवांग गेट, तो तवांग गेट से हम एंट्री करने वाले हैं। चलते हैं अंदर की ओर। तो दोस्तों तवांग गेट एंट्री करने के बाद में ये SDMC, ये साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ये बनवाया हुआ है, यहाँ पे इसका क्रेडिट पूरा जाता है इनको। तो यहाँ पे हम एंट्री करने से ही हमको देखने को मिलेगा, यहाँ पर अलग अलग जो वेस्ट मटेरियल से चीज़ें यहाँ बनी हुई हैं, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले जो चीज़ मिलने वाली है हमें देखने के लिए, तो वो है गेटवे ऑफ इंडिया। देख सकते हैं आप, दूर से ही आपको नज़र आ रहा होगा। तो देख सकते हैं ये वेस्ट मटेरियल से यहाँ पे एक ये बर्ड बना हुआ है, यहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है। ये सब लोहे से बने हुए हैं, तो देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है गेटवे ऑफ इंडिया। जो रियल गेटवे ऑफ इंडिया है वो मुंबई में आपको देखने को मिल जाएगा, समंदर के किनारे। और ये आपको दिल्ली में आप देख सकते हैं आप। तो ये है गेटवे ऑफ इंडिया, इसमें देख सकते हैं किन किन चीज़ों से बना हुआ है। एंगल्स, पाइप, साइकिल का चिमटा, टायर की रिम्स, साइकिल टायर्स एंड गियर्स, इन चीज़ों से ये बना हुआ है पूरा। बाकी आप देख सकते हैं ये इसका जो रियल है गेटवे ऑफ इंडिया का, ये मुंबई का है मेन। तो आपको दिखा देते हैं, ये देख सकते हैं पूरा लोहे का बना हुआ है, इसमें अलग अलग चीज़ें जो लगी हुई हैं वो देखो, साइकिल के चिमटे लगे हुए हैं ऊपर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं। ऊपर देख सकते हैं वो रिम्स लगी हुई हैं, यहाँ पे रिम है सारी, और ये सारी चीज़ें ये अंदर देख सकते हैं। ये पूरा टायर, ये टायर लगे हुए हैं साइकिल के, ये इन चीज़ों से बना हुआ है बिल्कुल। तो वेस्ट मटेरियल का कोई यूज़ अगर करना चाहता है तो वो यहाँ दिल्ली वालों से पूछे। दिल्ली में ये दूसरी प्लेस है यहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल से बनाई हुई है। इससे पहले एक वेस्ट ऑफ वंडर यहाँ पे एक करके जगह है, वहाँ पे भी ये बस वेस्ट मटेरियल से जो 7 वंडर्स हैं दुनिया के, वो भी बनाया हुआ है रेप्लिकाज। तो इस रेप्लिका के बाद में हम आगे की ओर चलते हैं। बाकी इधर देख सकते हैं ग्रीनरी भी आपको फुल देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप जो 100 रुपीज़ आपकी टिकट लगती है वो वसूलने वाला है। बाकी आप यहाँ पे रेस्ट करने के लिए यहाँ पे चेयर्स भी इन्होंने बनाई हुई हैं, वो भी देखने में काफ़ी सुंदर लग रही हैं। आप यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ सबसे पहले हम आए हैं, तो यहाँ पे ये फाउंटेन देखने को मिला है, क्या बेहतरीन नज़ारा है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है देखने में ये, और बहुत ही सुंदर। तो ये वेस्ट मटेरियल से यहाँ पे ये बरगद का पेड़ बनाया गया है, इसमें आप देख सकते हैं सिलेंडर, जो छोटे छोटे सिलेंडर होते हैं गैस वाले, वो इसमें लगाए हुए हैं। उनके चूल्हे जो हैं ऊपर, आप देख सकते हैं इनके ऊपर वो लगाए हुए हैं यहाँ पे। कितनी मतलब बहुत अच्छी कारीगरी इन्होंने करी है यहाँ पे, बहुत ही लाजवाब है। तो जैसा कि देख सकते हैं इसमें क्या क्या यूज हुआ है, गैस सिलेंडर, कार की स्टेयरिंग ऑन गेट्स, और ईंधन जो फ्यूल टैंक्स हैं, इलेक्ट्रिक पोल है एंड गैस चूल्हे, ये सारी चीज़ें इसमें लगी हुई हैं। ये बरगद का पेड़ ऐसा दिखेगा। और यहाँ रेस्ट करने के लिए यहाँ पे चेयर्स बना रखी इन्होंने, बैठ के आप आराम से बैठ रहे हैं। और आपको क्या दिखने वाला है इसके बाद, यहाँ बैठ के आपको सामने से ये दिखने वाला है, ये है हवा महल। जो असली हवा महल है वो जयपुर में स्थित है, और ये यहाँ आपको दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। तो दिल्ली में आप देख सकते हैं हवा महल, आप दिल्ली में यहाँ पे इसके दर्शन कर सकते हैं। देखने कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम देखने में, बिल्कुल सेम टू सेम लग रहा है ये रेप्लिका पूरा। और ये थोड़ा ब्लैक है, अगर वो रियल वाला देखेंगे तो वो थोड़ा रेड कलर का है।
तो इसके बाद में चलते हैं हम दूसरी जगह, देखते हैं जो हवा महल के बाद ये आपको देखने को मिलेगा, गोल गुंबज। गोल गुंबज देख सकते हैं कितना मतलब अच्छा ये इन्होंने बनाया है, ब्लैक कलर का है ये, वैसे वाइट होता है लेकिन यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का देखने को मिलेगा। इसमें देखते हैं किस किस मटेरियल से ये बना हुआ है। तो ये है वो गोल गुंबज, देश का हमारे सबसे बड़ा गुंबद है ये गोल गुंबज, क्योंकि ये बना हुआ है, ये बना हुआ है कर्नाटका में, विजयपुरा जो कर्नाटका में है वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये इसमें चीज़ें लगी हुई हैं। तो गाइस गोल गुंबज के बाद में हम आ गए हैं सीधे ये कुतुब मीनार, कुतुब मीनार की ओर आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ये दूसरा कुतुब मीनार है दिल्ली का, दिल्ली में एक ऑलरेडी कुतुब मीनार है जो ओरिजिनल है, वो आपको यहाँ दिल्ली में देखने को मिल जाएगा और ये आपको यहाँ ये इस पार्क में भी देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं सेम टू सेम ऐसे ही बना रखा जैसा कि है बिल्कुल। तो ये कुतुब मीनार है, ये देख सकते हैं किन किन चीज़ों से बना हुआ है। ये गैस कटिंग पाइप्स लगे हुए हैं, इसमें बिजली के खंभे लगे हुए हैं, एंगल्स लगे हुए हैं, आयरन मैच जो लोहे की जाली होती है वो लगी हुई, पाइप लगे हुए हैं और ये गियर्स, इन चीज़ों से ये बना हुआ है मिलकर। तो आप देख सकते हैं कि वेस्ट मटेरियल से कितनी अच्छी इन्होंने एक मीनार बनाई है, जो दुनिया की सबसे बड़ी मीनार हुआ करती थी वो इन्होंने यहाँ पे इसका भी रेप्लिका बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पाइप वगैरह लगे हुए हैं, कितना लोहे का जो लगा हुआ है सो आप देख सकते हैं। तो रेस्ट करने के लिए यहाँ पे आप चेयर्स वगैरह लगी हुई हैं, तो आप यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, कितनी प्यारी यहाँ पे इन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट करी हुई है। और उसके बाद में आ चुके हैं हम सीधे नालंदा यूनिवर्सिटी की ओर, जो कि बिहार में आपको स्थित है, दुनिया की सबसे पुरानी सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटी है नालंदा यूनिवर्सिटी। तो ये भी अपने आप में एक अलग चीज़ है, नालंदा यूनिवर्सिटी को आप सुनते ही आपको याद आता है कि भारत में भी कुछ ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। तो वो उसका यहाँ पे रेप्लिका बनाया हुआ है, देखना देख सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम आपको ऐसी लगेगी नालंदा यूनिवर्सिटी, जैसे कि आप सेम वहीं पे बिहार की जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ओरिजिनल उसी को देख रहे हैं, लेकिन ये रेप्लिका है। तो रेप्लिका देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, डिट्टो इन्होंने पूरी कारीगरी करी हुई है, जो चीज़ें बनी हुई है वो आपको देखने को यहाँ पे लगेगा नहीं कि ये रेप्लिका है, ये आपको ओरिजिनल जैसा लगेगा बिल्कुल। तो ये है वो मीनाक्षी मंदिर, ये तमिलनाडु में बना हुआ है और ये आपको दिल्ली में मिल जाएगा देखने को, कितना प्यारा बना हुआ देख सकते हैं, ये रेप्लिका है लेकिन लग ओरिजिनल रहा है बिल्कुल, क्या बात है। तो यहाँ पे इन्होंने एक नया टेंपल, ये मीनाक्षी मंदिर है, ये आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लगाई हुई। ये है वो ओरिजिनल वाला जो मदुरई में स्थित है, ये आपको देखने को मिल जाएगा मंदिर है तमिलनाडु में। तो ये आपको दिल्ली में आप इसके देख सकते हैं अगर आप तमिलनाडु नहीं जाना चाहते तो। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये इसका खुलने का टाइम है वो सुबह 10 बजे से ये ओपन हो जाता है और 10 बजे तक रात को ओपन रहता है। तो यहाँ पे जो नाइट शो भी है यहाँ पे, ये आपको देख सकते हैं जितने भी रेप्लिका यहाँ पे बने हुए मॉन्यूमेंट, यहाँ पे सब में ये लाइटिंग की व्यवस्था करी है, तो ये आपको रात में अलग ही तरीके से आपको चमकने वाले हैं। और यहाँ पे जो जगह है ये मॉन्यूमेंट है, ये 21 मॉन्यूमेंट यहाँ पे बने हुए हैं, 18 जो हमारे यहाँ स्टेट हैं 18 स्टेटों से यहाँ पे इन्होंने मॉन्यूमेंट लिए हैं यहाँ पे 21, और अभी ऐसा बोला जा रहा है कि यहाँ पे और भी मॉन्यूमेंट बनने वाले हैं, जो कि जो मॉन्यूमेंट यहाँ पे रुकेंगे 40 मॉन्यूमेंट बनने का यहाँ पे एक लक्ष्य था, तो अभी 21 बन के तैयार हो चुके हैं, बाकी का काम चल रहा है। जब तक तब तक आप इन 21 को देखिए पूरा और मज़ा लीजिए, और जैसे ही बनता है हम आपको अपडेट करेंगे, तब तक के लिए दिखाते हैं कुछ और। तो यहाँ पे आपको कुछ खाना पीना होगा तो यहाँ पे आप कुछ खा पी सकते हैं, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह कॉफ़ी मिल जाएगी और चिप्स वगैरह ये सारी चीज़ें स्नैक्स आपको मिल जाएंगे अंदर। तो यहाँ पे आपको ये शेर का जो पुतला है देखने को मिल जाएगा, ये लोहे का है लेकिन उसके ऊपर घास लगा दी, कितना प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे बैठ के फोटो खिंचा सकते हैं जैसे मैं बैठा हूँ, आहा क्या जा जवा मज़ा आ गया भाई। तो सामने आपको मीनाक्षी मंदिर देखने को मिल जाएगा, देखिए इसके सामने इसमें बैठ के देख सकते हैं आप। तो मीनाक्षी मंदिर के बाद में ये आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जो यहाँ पे चार धाम की यात्रा है तो आप दिल्ली में यहाँ इस दर्शन पार्क में कर सकते हैं। इसमें बद्रीनाथ टेम्पल, द्वारकाधीश टेम्पल, दीप स्तंभ, रामेश्वरम एंड जगन्नाथपुरी जो टेम्पल है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, तो दिखाते हैं आपको। तो भाई ये चार धाम की जो यात्रा है वो आपको कैसी लगेगी कमेंट करके बताना ज़रूर, जो ये पूरा जो यहाँ पे मॉन्यूमेंट जो दिखाई आपको कैसे लगे ज़रूर बताना कमेंट करके। तो मैं आपको दिखाता हूँ चार धाम की यात्रा करवाता हूँ सबसे पहले, उसके बाद में फिर मिलते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं हम यहाँ बद्रीनाथ टेम्पल से, तो देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है बद्रीनाथ का जो मंदिर है, जो उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा ओरिजिनल वाला, तो यहाँ पे भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं कितना बेहतरीन
लेकिन इन्होंने जो बनाने की जो इनकी कला है वो इन्होंने बिल्कुल सेम टू सेम जो एक एक चीज बारीकी से जो देख के बनाई हुई है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस तो रहेगा, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, रेप्लिका रेप्लिका होता है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। ये पूरी एक लाइन में बने हुए हैं चारों जो टेम्पल हैं, ये मंदिर हैं और घंटा ना बजे, ये घंटा भी इन्होंने देखो ऐसा बनाया हुआ रेप्लिका। और ये है द्वारकाधीश टेम्पल, बद्रीनाथ के बाद में द्वारकाधीश मंदिर है, इसका भी रेप्लिका है, झंडा लहराता हुआ ऊपर। ये मंदिर जो द्वारकाधीश है गुजरात में है, तो आप देख सकते हैं द्वारकाधीश गुजरात, तो यहाँ आपको ये भी दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। क्या प्यारा लग रहा है। उसके बाद हम देख सकते हैं ये कुछ कुछ चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। देवदार का पेड़ जैसा लग रहा है, लेकिन पता नहीं ओरिजिनल में ये है क्या, इन्होंने एक्चुअली बनाया हुआ है ऐसे ही, लेकिन जो भी है अच्छा है। यहाँ पे कैंडल्स मोटी मोटी इन्होंने रखी हुई हैं, ये भी एक कैंडल भी इसका एक, ये नकली कैंडल्स हैं रात में, लेकिन जलती हैं ये लाइट से, थोड़ा सा शो अच्छा शो करेगा ये पेड़। नेक्स्ट टेम्पल जो है रामेश्वरम, रामेश्वरम का ये टेम्पल है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। रामेश्वरम का जो टेम्पल है ये तमिलनाडु रामेश्वरम में आपको देखने को मिलेगा ओरिजिनल वाला। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं वेस्ट मटेरियल सी एस का गेट है, फ्रंट गेट। उसके बाद में ऊपर चलते हैं, ये ऊपर भगवान जी बैठे हुए, और ये इसका पूरा रेप्लिका है। तो डिफरेंट डिफरेंट रेप्लिकाज यहाँ बने हुए हैं, काफ़ी अमेजिंग है। ये फिर से एक और घंटा मिलता हुआ, हम इसको भी बजाएंगे। तो ये दो इसकी आवाज़ में थोड़ा दम था, कुछ हैवी चीज़ इसमें लगी हुई है नीचे। तो ये नया टेम्पल एक आ चुका है, ये है जगन्नाथपुरी। तो ये जगन्नाथपुरी टेम्पल है, देख सकते हैं कितना लाजवाब ये टेम्पल बना हुआ है पूरा। और ये भी जो टेम्पल है पूरी उड़ीसा में बना हुआ है, ये पूरी जगन्नाथ, इसे हम जगन्नाथपुरी के नाम से जानते हैं। ये मेन जगन्नाथ मंदिर है पूरी में स्थित, इसलिए जगन्नाथपुरी बोलते हैं, और जो कि ये उड़ीसा में स्थित है। तो ये लगातार लाइनों में बने हुए सारे टेम्पल्स हैं। यहाँ पर आपने चार धाम की यात्रा करी दिल्ली के अंदर, तो आप भी कर सकते हैं, हमने तो कर लिया है। और इसके बाद में कुछ और जो चीज़ें रेप्लिकाज हैं वो दिखाएंगे आपको। हम आगे जाने वाले हैं महावत महल, सांची स्तूपा एंड विक्टोरिया मेमोरियल एंड हम्पी। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा महावत पैलेस। तो महावत पैलेस को आप देख सकते हैं, पैलेस का ओरिजिनल दिखाते हैं आपको। तो ये है वो महावत पैलेस जो ओरिजिनल है, बीते युग का रूहानी सौंदर्य। तो ये बना हुआ है जूनागढ़ गुजरात में बना हुआ है ओरिजिनल वाला रेप्लिका इसका। ये गोल गोल घुमावदार सीढ़ियाँ यहाँ पर बनवाई, जो इसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं, चाहे वो ओरिजिनल हो या रेप्लिका हो, जो मर्जी हो, लेकिन है लाजवाब। अंदर से जो इनकी चीज़ें हैं वो बहुत ही मतलब देख के बनाई गई होती, बहुत ही सुंदर। जो पूरा है जो इसका एरिया है सर्कल, वो 1.5 किलोमीटर में ये पूरा ऐसा एक राउंड राउंड सर्कल जो बना हुआ है, पूरा 1.5 किलोमीटर का एरिया में ये पूरा बना हुआ है। तो ये आ चुके हैं यहाँ पे, ये जहाँ तक मेरे को लग रहा है ये है सांची स्तूपा। तो ये सबसे अब तक जो देखने में लग रहा है काफ़ी बड़ा जो मॉन्यूमेंट है, ये सबसे बड़ा लगा मेरे को अभी तक का। और ये है सांची स्तूपा, देखने में लगा यहाँ पे लगा हुआ है बोर्ड सांची स्तूपा, ये ओरिजिनल वाला ऐसा है, ये सबसे प्राचीन बौद्ध स्मारक सांची स्तूपा। और ये इसमें का रेप्लिका, तो देख सकते हैं कितना बेहतरीन है। जो इसका जो एंट्री गेट है स्तूपा का, वो मैं आपको इसकी मैं यहाँ पास से बारीकियाँ इसको दिखाऊँगा। ये देख सकते हैं कितनी अच्छी बारीकी से ये बनाया हुआ है, ये बिल्कुल इंसानों की तरह लग रहा है। एक एक बारीकी से चीजें यहाँ पे देखी गई हैं, देख सकते हैं। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे पक्षियाँ चहचहा रहे हैं इनमें से, जंगलों में से दिख नहीं रहा कहाँ पर है। तो यहाँ पे जगह जगह आपको ये बैठने की व्यवस्था मिलती रहेगी, बैठने की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे एक और ये छोटा सा कैफेटेरिया कैंटीन मान सकते हैं, यहाँ पे खाने पीने की आप खा पी सकते हैं। तो ये है वो वेस्ट वंडर, यहाँ टॉयलेट है, यहाँ पे टॉयलेट जा सकते हैं, वॉशरूम। यहाँ पे कुछ हमें एक अजीब सा जानवर मिला है। आजा आजा आजा, तेरे को भाई है तेरा ये,
तो अभी आ गए नेक्स्ट मॉन्यूमेंट की तरफ, नया रेप्लिका जो है विक्टोरिया पैलेस, रानी यहाँ की महारानी जो थी इंग्लैंड की विक्टोरिया, तो उसकी याद में ये इन्होंने एक पैलेस बनवाया था। तो देख सकते हैं कितना पैलेस बड़ा बना हुआ है ये। तो ये कलकत्ता में बना हुआ है ओरिजिनल वाला, और वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में। तो आप देख सकते हैं ये विक्टोरिया महल है पूरा, विक्टोरिया पैलेस। तो दोस्तों ये नेक्स्ट मॉन्यूमेंट है, ये है हम्पी जो रथ है उसका रेप्लिका है। देख सकते हैं कितने कितने इनके व्हील्स हैं, कितने बड़े हैं। तो इसमें जो कलाकारी करी गई है, ये रथ है, दुनिया के जो कुछ रथ थे जाने माने उनमें से एक है। तो ये आप रथ देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा रथ बना हुआ है, और इसमें जो कारीगरी करी गई है सजावट द्वारा, मतलब वो सारी चीज़ें हैं इसमें, ये बहुत सजा हुआ रथ है, इसमें बहुत अच्छी कारीगरी है रियलिटी में। तो इस वजह से ये हम्पी रथ का बड़ा रथ है, आप देख सकते हैं ये मेरी हाइट से भी काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, इसके पहिए इतने बड़े हैं। तो ये रथ ही देख सकते हैं कितना भारी भरकम ये रथ है। तो हम आ चुके हैं ये ताजमहल पे, ताजमहल भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब मैं एक चीज़ आपको फैक्ट बता दूँ, दिल्ली में आपको इसे लगा के, इस वाले ताजमहल को लगा के तीसरा ताजमहल है आप ये देख रहे हैं। सेवन वंडर्स में भी एक ताजमहल बना हुआ है, बाकी आगरा में भी इसका ओरिजिनल जो है वो आपको देखने को मिल ही जाएगा। बाकी तीसरा जो ताजमहल है वो आपको दिखा रहा हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा है। तो गाइस आ चुका है नया मॉन्यूमेंट, और ये पता नहीं कौन सा महल टाइप का लग रहा है, लेकिन पता नहीं रियलिटी में ये है क्या, ये देखते हैं क्या है, नाम से ही पता लगेगा देख के, लेकिन है बहुत अंदर प्यारा लग रहा देखने में, एक महल टाइप का। तो ये मैसूर पैलेस है, तो ये मैसूर कर्नाटका में स्थित है, तो आपको यहाँ मिल जाएगा देखने को। तो आप जहाँ भी जिस भी मॉन्यूमेंट के पास जाएंगे तो वहाँ पे आपको म्यूजिक भी उसी टाइप का देख सुनने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं थोड़ा कर्नाटका की साइड में जाएंगे तो आपको इस तरह के म्यूजिक सुनने को मिल जाएंगे, अगर आपको आवाज़ आ रही होगी तो। तो गाइज मैसूर पैलेस के बाद में आ चुके हैं हम चार मीनार, तो आप देख सकते हैं मैसूर, हम अभी मैसूर से होते हुए हैदराबाद आ चुके हैं डायरेक्ट। तो हैदराबाद में हम खड़े हैं ये चार मीनार के बाहर, काफी बेहतरीन बना हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। तो चार मीनार में आप देख सकते हैं काफी बड़ी मतलब मीनार है ये चार मीनार, हैदराबाद की फेमस। तो ये आपको इसका रेप्लिका देखने को मिल जाएगा, काफ़ी सुंदर बना हुआ है ये प्यारा, लेकिन है सब वेस्ट मटेरियल से बना हुआ। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं सूर्य मंदिर की ओर, कोणार्क जो टेंपल है उसको ये बोल सकते हैं, ये बसा हुआ है कोणार्क उड़ीसा में। तो आप देख सकते हैं सूर्य मंदिर बोला जाता है कि इस मंदिर में तीनों टाइम सुबह शाम और दोपहर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, और ये कोणार्क टेम्पल है, सूर्य देवता को समर्पित किया जाता है। तो यहाँ पर घंटा बजा लेते हैं। ये सूर्य मंदिर जो है इसकी खासियत है कि ये जो पहिए आप देख रहे हैं ये रथ पे बना हुआ पूरा ये टेंपल है, सात रथों पे बना हुआ ये टेंपल पूरा। तो सुंदरता आप देख सकते हैं इसकी कितनी बेहतरीन है, मैं तो बोलता हूँ आपको ये रियलिटी में भी देखना चाहिए, काफी अच्छा यहाँ पे देखने में लग रहा है ये, तो रियल में तो कुछ जवाब ही नहीं होगा इसका। तो कोणार्क टेम्पल के बाद में आ चुके हैं हम ये अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं, ये अजंता केव्स, वो वहाँ हम आ चुके हैं। तो ये वो केव्स का रास्ता है यहाँ पे आप देख सकते हैं अंदर जाने का। तो यहाँ पे भगवान ये बौद्ध की जो प्रतिमा है यहाँ पे लेटे हुए हैं आराम से मजे में, तो आप ये देख सकते हैं, आप भी लेट सकते हैं कहीं भी जगह मिलेगी तो। अब ये हाथी है, और ये भी यहाँ पे एक स्टैचू बना हुआ है, पता नहीं क्या है, लेकिन आपको पता लगे तो जरूर बताएं क्या है ये। तो ऐसी दिखती हैं अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं।
तो ये आपको ओरिजिनल में ही ज़्यादा अच्छी लगेंगी। मैं आप लोकेशन देख सकते हैं, महाराष्ट्र में जाएंगे तो एलोरा में ज़रूर घूमेंगे। गौतम बुद्ध जी लेटे हुए हैं, आपको दिखा देते हैं, बहुत सुकून में लग रहे हैं। ये हाथी है, ये बताइए सींग किसके लग रहे हैं? ये पाइप है कोई, साइलेंसर लग रहा है मेरे को तो बाइक का। रास्ते में ही चलते चलते आपको बेबी डॉल मिलेगी, सिंड्रेला। ये देखो इसकी, ये मेरे को विक्टोरिया लग रही है। तो ये है खजुराहो टेंपल, लास्ट में आखिरी बचता है तो आप इसको देख लीजिए, खजुराहो टेंपल को। ये मध्य प्रदेश में मेन है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें भी काफ़ी अच्छी सारी चीज़ें इन्होंने बनाई हुई हैं, देख सकते हैं इसमें एक एक बारीकी से इन्होंने इसमें सारी चीज़ों पर ध्यान दिया रखा है। और ये आपको मैं पास में जाके दिखाता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे स्टैचू हैं यहाँ पे, तो वो आपको एक एक देखने को मिल जाएगी यहाँ पर, इतनी बारीकी से इन्होंने ध्यान लिया है इस पर। लेकिन ये है सारी वेस्ट मटेरियल से बनी हुई चीज़ें, देखिए आप देख सकते हैं। तो भाई ये हमने आपको दिखाया आखिरी जो टेंपल था खजुराहो का, ये टेंपल आखिरी मॉन्यूमेंट था, रेप्लिका था यहाँ का। तो यहाँ पे 21 रेप्लिका डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप यहाँ देख सकते हैं। तो आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ आ सकते हैं, दोस्तों के साथ आ सकते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से। बाकी ये मंडे को क्लोज रहता है, तो मंडे को आप यहाँ पर ना आए, और यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है अंदर, और कुछ अपने बाहर से कोई चीज़ें आप अंदर नहीं ला सकते। बाकी आप मोबाइल अंदर लेके आ सकते हैं, तो आप फोटो वोटो खींचना चाह रहे हैं तो फोन से खींच सकते हैं, कैमरा यहाँ पर अलाउड नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको शेयर करें दोस्तों के साथ, और लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि कौन सा रेप्लिका इसमें आपको कौन सा मॉन्यूमेंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और मैं कोशिश करूँगा, मेरे को ये सारे रेप्लिकाज हैं, सारे मॉन्यूमेंट बहुत अच्छे लगे, मैं कोशिश करूँगा कि इनके जो ओरिजिनल हैं वो मैं आपको एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर सारे मॉन्यूमेंट एक एक करके आपको दिखाऊँ। कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी जल्दी इनके सबके दर्शन करा दूँ आपको। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।